WAQ पे आपको वेलकम करते हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बजे का। आज ब्लॉग लेट करने की जो वजह है वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी की वजह आपको पता है, रमज़ान, और रमज़ान में ज़्यादा देर तक बोले भी नहीं जाता, और बस शायद यही वजह थी। इसी वजह से जो है तो मैं काम पे भी काफ़ी लेट गया। ये देखें, सूट मेरा है नीचे, ऊपर मैंने शर्ट पहनी हुई है। उसकी वजह यह है कि वो ना बाजू काले होते हैं। तो अभी बस मैं वापस घर जा रहा हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा छोटा सा आपके लिए ब्लॉग बना ही। पहुँच आया हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी चेंज करते हैं। चेंज करके फिर हम जाते हैं कटिंग। बार्बर वाला जो, नहीं किस वाला, बार्बर वाला जो तस्करा था ना, वो तो मैंने किया था कल, लेकिन आज जो है अभी जाना पड़ रहा है यार। और आज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझसे आज बोले नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं बोले जा रहा। पता नहीं क्या हो गया आज, हालात बहुत गंभीर है। देखें ना, हालत बड़ी बिगड़ी हुई है। इधर करीब एक शॉप है, उस पर चलते हैं। अंधेरा काफ़ी है वहाँ पे और वो शॉप ही बंद है। मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है, शायद के अंदर कोई हो। शॉप में सोए हुए हैं मेरे जान, वो भाई साहब सामने सोए हुए हैं। भाई जान, मैं आया करवाने, लेकिन चलो जगाते हैं भाई को। भाईजान, तो खूब एक घोड़े होते हैं ये भाईजान, खोते बेच के थोड़े हुए। इन भाईजान की तरफ तो अब मुश्किल ही है। अब एक और है यहाँ पे, लेकिन वो कैसे बहुत मरता है यार, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मतलब बाल और दाढ़ी के लिए मैं इनको ज़्यादा पैसा दूँ, तो फिर क्या किया जाए। इस तरफ है तो वो बिल्कुल फारग है, और इस तरफ है तो वो पैसे थोड़े ज़्यादा लेता है। लेकिन चलो अब जाते हैं और उसी के पास ही अब जाते हैं। नहीं, मतलब जितने लोग भी हैं, सारे लोग ही तकरीबन आज जो है वो पोल्यूट हुए हुए हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब गर्मी इतनी ज़्यादा है, सूरज को देखो, आग बरसा रहा है आज सूरज, इतनी तेज तपश के साथ आग आ रही है ना, जिसकी कोई याद नहीं है। लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं यार हम, बर्दाश्त का जो हमारा पैमाना है, जब तक लबरेज नहीं करेगा बाहर घूमते रहेंगे। अब कुछ और काम भी करने हैं ना, तो इसलिए पहले ज़रा ये सेटिंग वगैरह करवा लूँ ना यार मैं, तो उसके बाद फिर गप करते हैं। अब बाहर मुझसे रहा ना गया, और अब मैं ऊपर सब्जी भाईजान किधर गए हैं, किधर गए हैं? थोड़ी देर तक आ गए। चले ठीक है भाईजान, सच्ची बात बताऊँ ना, वही नहीं करना काम करने को, बिल्कुल नहीं कर रहा। भाई कह रहे हैं थोड़ी देर तक करना, कह रही है तो बेस्ती सी होगी, लेकिन चलो कोई भी खैर है। अभी इसी शॉप पे फाइनली जाते हैं, आप नहीं रहा जाए, इसी शॉप पे जाते हैं और वहीं पे जाके कटिंग करवाते हैं बस। चल 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 के ना, आखिर एक जो है वो शॉप मिली है और यहाँ पे जाते हैं। ये खैर देखते हैं कि अगर कोई खुला है या कोई हिसाब किताब है, ये नहीं पता कि कैसे। एहसान भाई हैं जी, एहसान भाई, एहसान भी तो हॉस्टल गए हैं, और उस्मान भाई की बरसी थी। उस्मान भाई अपनी शॉप पे किधर है? वो बिस्मिल्लाह जो है, हाँ वो दूसरी शॉप पे। और सूफी साहब जो है, सूफी वो भी गाँव गए, गाँव में हो गए। चलो ठीक है, नाजरीन आज हमारी किस्मत में नहीं है, खैर आज हमारी किस्मत में ही नहीं है कि हम अपनी हालत को दुरुस्त करवाएं। चल यार जाने दे, अब क्या कह सकते हैं, बेस्ती पे बेस्ती हुई जा रही है यार। जिन लोगों के पास मैं जा रहा हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोग
विलिंग ही नहीं है या है ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, इतना मुश्किल हुआ हुआ है सारा कुछ। भाई साहब मेरे बाल कोई नहीं काट रहा यार, मुझे सबसे मेरे बाल कोई नहीं काट रहा यार, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है यार। देखो अरे बाजार में मेरी बेइज्जती हो रही है यार, बाल कोई नहीं काट रहा भाई मेरे, बड़ा मुश्किल है यार ये। चलो अब क्या कह सकते हैं, अब बस निकले तो थे आपको पता है किस लिए, लेकिन एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ पीछे से कॉल मैसेज आ जाती है कि आप फलां चीज़ लेते हैं या फलां चीज़ लेते हैं। तो भाई फ्रूट लेके जा रहे हैं और यकीन करो फ्रूट के जो हालात हैं ना बहुत बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि सफ़र नहीं ले के बताता हूँ कितने बुरे हालात हैं। आज कितने 200 रुपये ऐसी है महंगाई बात की है मशहर, तो रमज़ान आ जाते ऐसा रोज़ा सख्त ही ना मज़ा आने लगे ये, बस दुआ करो आज अल्लाह करे टाइम खरी ना गुजर जाए, उधर भी लड़के आपस में लड़ पड़े हैं पेड़ पहने, अल्लाह सब्र देवे यार, रोज़ा सबको यही कहता है कि आप लोग सब्र करें। बड़ा मुश्किल हो गया यार, बहुत मुश्किल बातें तो छोड़ो यार, वो मेरा फ़ोन भी गर्म हो गया, मतलब हालात बड़े गंभीर हैं यार आज। अच्छा आज के ब्लॉग में ना मैं रोने ही रो रहा हूँ अभी तक, ये हो गया और पता नहीं क्यों यार मेरे साथ आज बड़ा बैड सीन हो रहा है, बार बार बैड सीन हो रहा है, और बस अब एक दो चीज़ें रह गई हैं वो लेता हूँ और घर को जाता हूँ, क्योंकि आज मुश्किल है भाई, आज बहुत मुश्किल है। एक तो कटिंग वाला सीन तो आप ही समझो आज, वो अब कल देखेंगे और वो कल भी क्लिनिक के पास ही करवाऊँगा अब मैं, और दूसरा बस मुश्किल है, अब मुश्किल भी नहीं है ना मुमकिन है, चलता है भाई इसी तरह चलता है। भैया केला किस तरह लगा हुआ है आज? 250, अंदाज़ा करें जी आप अंदाज़ा करें कि ये जो सिर्फ बाँ ना ना है ना 250 रुपये दर्जन है, और ये कौन सा वाला है, ये जो फली जिसको कहते हैं ये फली है, ये वो नहीं है अपना क्या कहते होते हैं डूंगर से जो गुच्छा उतरता है पंच, वो नहीं है, बड़ा रोला ख़राब है जी, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है ना के। बस जिंदगी ऐसी का नाम शादी न करना यारो तुमको बता रहा हूँ। चलता हूँ भाई, बस अब अपन चलता है, उसकी वजह यह है कि बहुत खराब हालत, बात भी नहीं हो रही, पता नहीं कैसी वीडियो, नहीं वीडियो तो बहुत अच्छी बनी है, आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल की वीडियो में।